हेलो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ये चावल क्यों भिगाए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चावल भिगा लिए हैं और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया, थोड़ा सा मैंने इसमें घी ऐड कर लिया ताकि हमारे चावल अच्छे फूले फूले रहें। ये है नमक मिर्च मसाला और ये है तड़का लगाने के लिए फ्रेंड जीरा जखिया, ये है टमाटर हरी मिर्च और ये है फ्रेंड्स देखिए मैंने गैस पे कुकर चढ़ा लिया चावल बनने के लिए और ये है फ्रेंड कढ़ाई। तो मैं क्या बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स, बने रहे मेरी वीडियो में अंत तक। और देखिए मैं बनाने वाली हूँ तुरई का कापा। तो जल्दी और इजीली ढंग से कैसे तुरई का कापा बनाना है फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल श्राद्ध भी चले हैं तो लहसुन प्याज भी खाना है नहीं, तो टमाटर हरी मिर्ची के साथ कैसे हमें अच्छे तुरई की कापा बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने टमाटर और हरी मिर्च काट ली और कढ़ाई में मैंने ये तेल ऐड करके गैस ऑन कर लिया। ये है फ्रेंड्स तुरई। अब इसको पहले ऐसे बाहर का इसका छिलका हटा लेंगे इस तरह से, और अब ये मैंने धो के इसको मैं ऐसे काट लूँगी इसको इस तरह से, पहले दो पीसीज में इस तरह से बारीक बारीक इसको काट लेंगे। तो आजकल श्राद्ध पक्ष में फ्रेंड क्या बनाए होती है, क्योंकि लहसुन प्याज खाना नहीं होता है, तो जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है श्राद्ध पक्ष में। देखिए इस तरह से इजीली ढंग से बनाएं तुरई का कापा। तो ये मैंने गैस पे जो कढ़ाई चढ़ाई हुई थी तेल की, इसमें मैंने टमाटर और ये नमक मिर्च मसाला धनिया पाउडर जीरा पाउडर हल्दी मिर्च ये सब मैंने इसमें ऐड कर लिया और हरी मिर्च भी काटी है। अब टमाटर पकने के लिए फ्रेंड थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेंगे और थोड़ी देर इसको पकने के बाद ये देखिए फ्रेंड कितना अच्छा टमाटर पक करके हमारा ये तैयार हो चुका है, ग्रेवी बन गई। अब हम इसमें ये जो हमने तुरई कटिंग करी थी इसको भी ऐड कर लेंगे और इसको उलट पुलट करके थोड़ी इसमें पानी ऐड करके इसको इस तरह से चला लेंगे कि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसको ढक करके मैंने रख लिया और इधर गैस पे मेरे ये चावल भी बन चुके हैं। ये देखिए सीटी आ गई। तो फ्रेंड बहुत अच्छा ये तुरई का कापा बनता है चावल के साथ, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें घर में। तो देखिए कितना अच्छा मेरा ये तुरई पक करके तैयार हो चुका है फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी भी ये होता है, बच्चों को बुज़ुर्गों को घर में बहुत पसंद आता है। अब थोड़ा सा इसमें फ्रेंड हम दो चम्मच ये आटा मिक्स कर लेंगे, इससे थोड़ा ही होता है ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। आपके पास आटा है या आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो हमारा तुरई मसाला ये सब है इसमें अच्छे से इसको मिक्स करके थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड आटा मिक्स करने के बाद कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बन चुकी है फ्रेंड, बहुत अच्छा ये टेस्टी लगता है चावल के साथ। तो देखिए अब मैं ये थाली में चावल ऐड करने वाली हूँ। ये देखिए कितना अच्छा चावल बन करके तैयार हो चुका है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स अपने घर में, और मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ आपको ये तुरई का कापा कैसा लगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो देखिए कितना अच्छा तुरई का कापा 10 मिनट में बन करके ये तैयार हो चुका है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और रेस्टोरेंट की दाल से भी कुछ कम नहीं है। तो मिलते हैं मेरी अगली